नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मिश्रा ज्ञान में। आज हम लोग सीखेंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में, जो दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी और एनपीआर। बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले इसका सप्लाई देख लेते हैं। ये 6 वोल्ट से 36 वोल्ट डीसी तक काम करेगा दोस्तों। ये टाइप पीएनपी एनओ है। इसका सेंसिटिविटी 8 mm है दोस्तों। ये पीएनपी का मतलब होता है दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जैसे इसमें पावर सप्लाई देंगे सेंसर के आगे, जैसे भी कोई मेटल आएगा ये इससे पॉजिटिव सिग्नल आएगा। इसका केबल के बारे में भी आप दोस्तों आप लोगों को समझा देते हैं। ये ब्राउन कलर में प्लस देना है, ये ब्लू में माइनस देना है, और इधर से रिटर्निंग जो आएगा दोस्तों, जो सेंसर के आगे कोई मेटल आएगा तो इसमें रिटर्निंग प्लस आएगा दोस्तों, ये वाले केबल में, ब्लैक वाले में। अब दोस्तों एनपीएन सेंसर के बारे में भी जान लेते हैं। ये भी इसका भी वोल्टेज वगैरह सब सेम ही रहता है दोस्तों, सिर्फ इसमें नेगेटिव आएगा। इसमें ब्राउन वाले केबल में दोस्तों प्लस देना है और ब्लू वाले में माइनस देना है, और ब्लैक वाले से जो रिटर्निंग आएगा, जैसे एनओ है ये, तो इसके आगे मेटल आएगा तो ये ब्लैक वाले में रिटर्निंग माइनस आएगा। एनपीएन का मतलब होता है दोस्तों नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जब सेंसर के आगे कोई भी मेटल आएगा तो ये उससे आउटपुट जो आएगा नेगेटिव आएगा दोस्तों। और ये पीएनपी में भी जान लेते हैं। ये पीएनपी का मतलब होता है दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये इसके आगे भी कोई भी मेटल आएगा तो ये रिटर्निंग जो आएगा ब्लैक वाले में इसमें पॉजिटिव आएगा दोस्तों। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिश्रा ज्ञान का दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे डेमो भी दिखाएंगे आपको, प्रैक्टिकली रिले होल्ड करके दिखाएंगे कैसे होल्ड होता है इसके आगे मेटल आने के बाद। तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखा दोस्तों, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों।